जिला पुलिस ने आज ग्रामीण थाना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुख्यात बाइक और मोबाइल चोर का सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 8 अगस्त को जिला पुलिस ने 67 चोरी की बाइक बरामद की थी। उस वक्त इसका सरगना परमानंद सामत को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। पहले गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की तो परमानंद सामत का पता मिला कि वो जमशेदपुर में रह रहा है। पुलिस ने विगत रात उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 10 बाइक चोरी का और बरामद किया, साथ में 53 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए हैं जिसकी कीमत लाखों में है। साथ ही साथ एक चोरी का वीडियो कैमरा भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। इस तरह जिला पुलिस ने झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर सामानों की बरामदगी की है। कुछ माह में संपत्तिमूलक कांडों के उद्भेदन और उनमें संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है उसमें आज पुलिस को एक और बहुत बड़ी सफलता हाथ में लगी है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में कोवाली थाना में एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था जिसमें कुल 67 बाइक को बरामद किया गया था तथा एक पूरे गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया था। उसी गिरोह का मुख्य सरगना परमानंद समाद काफ़ी तभी से फिरार चल रहा था तो उसकी गिरफ्तारी के लिए तथा कांड में जब बाइक्स के सत्यापन के लिए तथा जो जो कांड उद्भेदित हुए हैं उनमें इन अभियुक्तों को रिमांड में आने के लिए पुलिस उपाधीक्षक मोसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें मोसाबनी अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी थे। तो उसी टीम द्वारा कल रात को मोसाबनी क्षेत्र में ही परमानंद समद को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर मोसाबनी क्षेत्र में अलग अलग जगहों से कुल 10 बाइक को बरामद किया गया है। जब बाद में उससे और डिटेल में पूछताछ किया गया तो उसकी निशानदेही पर परसोड़ी थाना क्षेत्र से चोरी के करीब 53 मोबाइल तथा चोरी का कई अन्य सामान जिसमें कैमरा, बाइक्स के नेम प्लेट्स, स्पीकर्स और काफ़ी अलग अलग प्रकार का सामान बरामद किया गया है। अब तक इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर या निरुद्ध किया जा चुका है तथा कुल 77 बाइक को बरामद किया गया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।